फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक ऐसा लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग तो इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कि इस तरह के सेंटेंसेस में क्या फर्क है और इसे कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरी गुड सो गुड, वेरी हार्ड सो हार्ड, वेरी इंटरेस्टिंग सो इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सो इंपॉर्टेंट, वेरी इजी या सो इजी में क्या फर्क है। यानी कई बार आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं जहां आप कहते हैं आई एम वेरी हैप्पी या फिर आप ये कहते हैं आई एम सो हैप्पी। तो क्या आप जानते हैं कि आई एम सो हैप्पी या आई एम वेरी हैप्पी में क्या फर्क है? दिस इज वेरी इजी या दिस इज सो इजी, इन दोनों में क्या फर्क है? फ्रेंड्स, वेरी और सो का इस्तेमाल हम किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं। जैसे अगर मुझे कहना हो यू आर गुड, तो गुड एक एडजेक्टिव है और इसे ताकतवर बनाने के लिए हम कहते हैं वेरी गुड या सो गुड। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि वेरी या सो का इस्तेमाल किसी एडजेक्टिव या किसी एडवर्ब को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं। जैसे दिस इज इजी, यह आसान है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज वेरी इजी, तो यहाँ पर वर्ड इजी को और ताकतवर बना दिया और इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ ये बहुत इजी है। मैं यहाँ पर यह भी कह सकता हूँ दिस इज सो इजी, यानी यह बहुत आसान है। आइए फ्रेंड्स, अब ये देखें कि वेरी और सो में क्या फर्क है। फ्रेंड्स, बहुत के लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत के लिए आप सो का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप इस वर्ड पर इम्फेसाइज करें यानी जोर दें। जैसे अगर आपको नॉर्मली कहना हो कि आप बहुत अच्छे हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर वेरी गुड। लेकिन अगर आप ऐसे कहना चाहें कि आप बहुत अच्छे हैं, यानी वर्ड बहुत पर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो इस तरह के जज्बात को कहने के लिए आप कहेंगे यू आर सो गुड। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जो मीनिंग वेरी का वही मीनिंग सो का। लेकिन बहुत के लिए हम सो का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम वर्ड बहुत पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं या इसको फोकस करके बोलते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर वेरी हैंडसम। आप बहुत खूबसूरत हैं, यू आर सो हैंडसम। वह बहुत कमजोर है, ही इज वेरी वीक। लेकिन अगर मैं कहूँ ही इज सो वीक, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि वह बहुत वीक है। यानी इस सेंटेंस में मैंने बोला सो क्योंकि मैं वर्ड बहुत पर जोर देकर बोल रहा, फोकस कर रहा। यह बहुत मजेदार गेम है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग गेम। लेकिन अगर आपके जज्बात ऐसे हों यह बहुत मजेदार गेम है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस इज सो इंटरेस्टिंग गेम। आपने यहाँ पर सो का इस्तेमाल किया क्योंकि आप वर्ड बहुत पर फोकस कर रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरी और सो में फर्क समझ में आया कि दोनों का मीनिंग होता है बहुत। लेकिन नॉर्मल वे में हम बहुत के लिए वेरी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब वर्ड बहुत पर हम जोर देकर बोलते हैं तो हम वेरी के जगह पर सो का इस्तेमाल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, अप टू का भी कंसेप्ट समझ लें। फ्रेंड्स, टू एक नेगेटिव वर्ड है और इसे अच्छे सेंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर लिखा हो यू आर टू गुड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम बहुत अच्छे हो, यानी तुम इतने अच्छे हो जितना कि नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि यू आर टू गुड का मतलब हुआ कि तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे हो। फ्रेंड्स, अगर आप किसी क्वेश्चन को देखकर ये कहें दिस इज टू इजी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि यह बहुत आसान सवाल है, यानी इतना भी आसान नहीं होना चाहिए, ये कुछ ज्यादा ही आसान है या जरूरत से कुछ ज्यादा आसान है। तो फ्रेंड, जब टू के साथ आप किसी एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है बहुत, लेकिन उसका सेंस नेगेटिव होता है। वहाँ टू के इस्तेमाल से ये पता चलता है कि कोई चीज जरूरत से ज्यादा अच्छा है या खराब है या सीधा है या आसान है। अगर मैं कहूँ यू आर टू टॉल, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुम बहुत लंबे हो, यानी तुम कुछ ज्यादा ही लंबे हो, इतना भी लंबा होना ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वेरी सो और टू का इस्तेमाल शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।